बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं फंसे केजरीवाल? मोदी की आंखों में आंखें डालकर कैसे डटे रहे केजरीवाल? केजरीवाल की कामयाबी के कौन से हैं 12 मूल मंत्र? कैसे फीका पड़ा बीजेपी का मंदिर पॉलिटिक्स वाला तंत्र? हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल बता रहे हैं कि कैसे राम की राजनीतिक लहर के तूफान में जहां तमाम विपक्षी दल तिनकों की तरह उड़ते दिख रहे हैं, वहीं केजरीवाल न सिर्फ अड़े हैं, खड़े हैं, बल्कि दूसरे विपक्षी नेताओं से बड़े भी हो रहे हैं। LG, ED, इनकम टैक्स, CBI और मोटा भाई के तमाम हथकंडों से सफलतापूर्वक जूझते हुए केजरीवाल ने खुद को अटल बनाए रखा है। हिंदी खबर आपको केजरीवाल की कामयाबी के वो 12 सूत्रीय मूल मंत्र दिखाने जा रहा है जो आज के पहले किसी भी मीडिया हाउस ने ना तो बताए हैं और ना ही दिखाए हैं। तमाम प्रोपोगेंडा के बावजूद केजरीवाल सरल बने रहे और अपने सनातनी हिंदू धर्म की पूजा पद्धतियों, मान्यताओं, परंपराओं का पालन करना नहीं छोड़ा। वो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, हनुमान चालीसा भी गाते हैं और सुंदरकांड का पाठ भी करवाते हैं। यानी बीजेपी के हिंदुत्व वाले ब्रह्मास्त्र से वो डंके की चोट पर मोदी और बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। केजरीवाल बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं और इससे लोग काफी प्रसन्न हैं। पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा योजना के चलते बहुसंख्यक हिंदू वोटर केजरीवाल को एंटी हिंदू नहीं मानता। स्ट्रेटेजिकल तरीके से मोदी पर सधे हमलों और बीजेपी की जोरदार मुखालफत करने की वजह से मुसलमान मतदाताओं ने केजरीवाल को कांग्रेस के विकल्प के रूप में कबूल कर लिया है और नतीजतन मोदी के खिलाफ लामबंद मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद केजरीवाल बन गए। राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा लगाने वाले RSS और उसके अनुषांगिक संगठन बीजेपी को राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर सबसे बड़ी टक्कर केजरीवाल ने दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को आगे रखा, जिस कारण केजरीवाल को देशद्रोही बताने वाले प्रोपोगेंडा में भाजपाई थिंक टैंक नाकाम हो गया। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्ग के बहुसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए केजरीवाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत किया। इससे देश का बहुत बड़ा तबका केजरीवाल के साथ जुड़ गया। जब मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी तो किसानों के भारी विरोध प्रदर्शनों को सबसे ज्यादा समर्थन आपकी दिल्ली और पंजाब सरकारों ने ही किया था। नतीजतन मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था और केजरीवाल किसानों की आंखों का तारा बन गए। दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी केजरीवाल सबसे ज्यादा मुखर रहे। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए हजारों CCTV कैमरा लगाने की उनकी मुहिम को दिल्ली की करोड़ों महिलाओं ने काफी ज्यादा पसंद किया। DTC की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने से भी महिलाओं पर केजरीवाल की पकड़ मजबूत हुई है। दिल्ली वालों को बुनियादी सुविधाएं देने के मामले में पूरे देश में केजरीवाल सबसे आगे रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से केजरीवाल की छवि जननायक वाली बन गई और लोगों ने उन्हें दिल खोलकर प्यार दिया। दिल्ली के नौनिहालों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों का विश्व स्तरीय मॉडल खड़ा किया और नौजवानों के भीतर स्वरोजगार की भावना को बलवती करने के लिए देश के मेंटोर जैसी विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को प्रमोट करते हुए केजरीवाल ने पब्लिक डीलिंग के ज्यादातर दफ्तरों को ऑनलाइन कर दिया। इससे सरकारी कार्यालयों में होने वाले शोषण से जनता को आजादी मिल गई। व्यापारियों और कारोबारियों को सहूलियतें देने में केजरीवाल हमेशा आगे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के व्यापारी वर्ग में टैक्स देने की प्रवृत्ति बढ़ी और तमाम राजकोषीय घाटों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली सरकार आगे बढ़ी। केजरीवाल ने न सिर्फ बढ़ चढ़ कर काम किया बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कामों को देश दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे। यानी उन्होंने यहां पर भी बीजेपी और उसके IT सेल को कड़ी टक्कर दे रखी है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब केजरीवाल ने दिल्ली को भी राम भक्ति के रंग में रंग दिया। जगह जगह सुंदरकांड के पाठ कराए गए।
अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए, पूजा अर्चना की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भव्य शोभा यात्राएं निकाली। आम जनता, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली को राम नगरी बना दिया। 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली सरकार ने भव्य राम लीलाओं का मंचन भी कराया, जिसमें शामिल होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण की आरती उतारी। केजरीवाल ने असली राम राज्य की परिकल्पना बताई और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में राम राज्य की स्थापना कर रही है। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अवधारणा, भगवान राम अयोध्या के शासक थे, उन्होंने जो शासन दिया उसको एक तरह से पृथ्वी पे एक आइडियल शासन माना जाता है कि अगर शासन हो तो ऐसा हो। राम राज्य की परिकल्पना, उसकी अवधारणा, उसी की अवधारणा से प्रेरणा लेके हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ठाना है दिल्ली में कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको उचित राशन मिले, अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्त में राशन दिया जाता है। बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जहां पे वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्त मिलता है। हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के तमाम धुरंधर दल जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, शिवसेना समेत तमाम दलों के दिग्गजों ने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को न सिर्फ ठुकराया बल्कि बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस भी गए। इस मोर्चे पर भी अरविंद केजरीवाल ने परिपक्व जन नेता की तरह आचरण किया और राजनीतिक धर्म नीति की लड़ाई में ऐसी अचूक रणनीति बनाई कि बीजेपी उन्हें घेर नहीं पाई। उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया, उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा VIP और VVIP आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊँगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा सकें। साफ है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सियासी उम्र भले ही सिर्फ 11 वर्ष की हो, लेकिन अपनी सकारात्मक राजनीति से केजरीवाल ने दशकों पुराने राजनीतिक दलों और घाघ राजनेताओं के ऊपर क्लियर कट बढ़त हासिल कर ली है। खुद को बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में नहीं फंसने दिया और उल्टे बीजेपी के सामने ही एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ना तो धर्म के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर पा रही है और न ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उन्हें उलझा पा रही है। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की सियासी नब्ज पकड़ ली है। ब्यूरो इनपुट के साथ अतुल अग्रवाल, हिंदी खबर।